ये कहानी एक ताकतवर आदमी के बारे में है। हमारे YouTube चैनल में खुश आमदीद। हमारे चैनल पर आपको मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे सफर में मेरे साथ शामिल होंगे। पहले की तरह आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। एक दफा का जिक्र है कि एक ताकतवर आदमी था। वो हर काम में जल्दी करता था और सब्र नहीं करता था और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हर चीज को हटा देता था जो भी उसके सामने आती थी। वो दरख्तों को तोड़ता था, पहाड़ों को गिरा देता था और नदियों को खुश्क कर देता था। लोग इस शख्स से डरने लगे और उससे दूर भागने लगे। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उस शख्स के पास आया और उससे कहा कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें एक दिन नुकसान पहुंचाएगी। तुम सब्र नहीं करते हो और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो। मजबूत आदमी पहले तो हंसा, फिर कहा, ठीक है, मैं सब्र से काम करने की कोशिश करूंगा और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। लेकिन थोड़ी देर बाद मजबूत आदमी फिर गुस्से में आ गया। उसने एक पहाड़ को गिरा दिया और एक दरिया को खुश्क कर दिया। इस बार लोगों ने सोचा कि हम इस आदमी को मार देते हैं, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं एक बार फिर से उसे समझाता हूँ। बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उससे कहा कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हो और सब्र से काम नहीं लेते हो। अगर तुम गलत काम करोगे तो अपना सब कुछ जाया कर दोगे। तुम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना किया करो और सब्र से काम लिया करो। ये सब के लिए ही अच्छा है। इस बार मजबूत आदमी ने बूढ़े की बात गौर से सुनी और उसने सब्र से काम लेना शुरू कर दिया और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना छोड़ दिया। उसने लोगों के साथ अच्छा सलूक करना शुरू कर दिया और अपनी ताकत को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करने लगा और अपनी ताकत से दूसरों की मदद करने लगा। लोगों को उस शख्स का नया रूप और नया रवैया बहुत पसंद आया और वो उससे दोस्ती करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता वो ताकतवर आदमी अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए रोल मॉडल बन गया। वो ताकतवर आदमी था और बहुत मेहरबान और समझदार आदमी भी बन गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर काम सब्र और समझदारी से करना चाहिए।
क्योंकि मेहरबान और समझदार आदमी को सब लोग पसंद करते हैं और उसके आसपास रहना पसंद करते हैं और उससे दोस्ती करते हैं।